गुड। वेल, पिछले वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला को समझा था और इस वीडियो में हम आगे उस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना उसको समझेंगे। बट बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि देयर इज अ टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। उसको आप लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सो दैट यू गेट डेली अपडेट्स ऑफ वेरियस क्वेश्चंस आस्क्ड इन क्लास 12th, क्लास 11th एंड CUET। तो तीनों लेवल को ध्यान में रखते हुए हम उसमें क्वेश्चंस डालते हैं, प्लस CUET के अपडेट्स उसमें आएंगे, प्लस आपको कुछ वीडियोस उसमें मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इफ़ यू वांट द कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ऑफ ऑल द टॉपिक्स, ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट अ वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस, यू कैन कॉल ऑन द नंबर स्क्रोलिंग डाउन साइड। देखिए नीचे नंबर स्क्रोल हो रहा होगा, आप उस नंबर से हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने ये फॉर्मूला किया था, राइट? अगर मैं एक पेज में लेके आता हूँ इसको, ये फॉर्मूला हमने किया था जहाँ पे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया था। और देखो ये जो फॉर्मूला है ये परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है? मैं आपको यूट्यूब वीडियोज़ में तो सारा डिटेल में नहीं डाल पाऊँगा, ये परसेंटेज मेथड मैं आपको शॉर्ट में कोशिश करूँगा जितने अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है? तो आप जान लो कि ये जो मेथड हमने समझा है अभी पिछले वीडियो में वो परसेंटेज मेथड था। तो क्या फॉर्मूला था, चलिए लेट्स कम टू दी एक्सप्लेनेशन पार्ट अगेन। क्या फॉर्मूला था हमारा? फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जिससे हमने डिराइव किया था चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। सो आई होप दिस वॉज क्लियर टू एवरीबडी। सो ये जो फॉर्मूला है ये भी परसेंटेज मेथड का ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? जिसमें मैंने हाईलाइट किया अभी, ये परसेंटेज मेथड का ही फॉर्मूला है, बट ये डिराइव किया हुआ। मेन परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला ये था, इससे हमने इसको डिराइव किया। सो बोथ द फॉर्मूलाज आर परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला, राइट? नाउ हाउ डू वी यूज़ दिस, इसको कैसे यूज़ करना है, ये किस तरीके से काम में आता है, उसको समझने से पहले हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे। सिंस परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज मेथड में इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, डिविजन डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो बिफोर वी प्रोसीड लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जब हम डिविजन का रूल क्या है, डिविजन का रूल है कि हम जब भी डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो कुछ जो भी वैल्यू आए, वैल्यू के पांच पॉसिबिलिटीज़ है, वैल्यू कैन बी मोर देन वन, वैल्यू कैन बी लेस देन वन, वैल्यू कैन बी इक्वल टू वन, वैल्यू कैन बी जीरो एंड वैल्यू कैन बी इन्फिनिटी। तो अगर हम डिवाइड करके वैल्यू हमारा आता है लेस देन वन कब आएगा? देखो लेस देन वन तब आता है जब न्यूमरेटर, दैट इज ऊपर की वैल्यू, इज लेस देन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 5/10 या 2/4 या 10/100, ये सबके वैल्यू कितने आएंगे? लेस देन वन। ये 0.5, ये भी 0.5, ये आ जाएगा 0.1, ठीक है? तो जब भी वैल्यू लेस देन वन है उसका कंक्लूजन ये होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमरेटर, ठीक है? तो जब भी हम डिवाइड करें और वैल्यू लेस देन वन है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जब भी हम डिवाइड करते हैं और वैल्यू इक्वल टू वन आता है, इक्वल टू वन का मतलब जैसे 5/5, 4/4, 10/10, इसका मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, तभी हमारा आंसर क्या आएगा? इक्वल टू वन आएगा। जब भी हम डिवाइड करते हैं आंसर वन होता है, इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इक्वल टू ईच अदर। जब भी हम डिवाइड करें और हमारा आंसर मोर देन वन आए, मोर देन वन का मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे लेट्स से 10/5 या 100/10, इसमें आंसर आया 2, इसमें आंसर आया 10, तो मोर देन वन का मतलब होता है न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दी डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर का वैल्यू नीचे के वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है? और जब हम डिवाइड करते हैं और आंसर हमारा ज़ीरो आए, तो ज़ीरो कब आता है डिविजन में? जब न्यूमरेटर इज ज़ीरो। रिमेंबर ज़ीरो बाय एनीथिंग इज ज़ीरो, ठीक है? और जब हम डिवाइड करें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करके आंसर हमारा इन्फिनिटी आता है, मतलब डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो।
रूल है जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो एंड एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। याद रखिएगा क्यों, अब पहले तो हम ये जो हमने पांच रूल समझे हैं पहले इसको समझ लेते हैं। तो डिवाइड करके आंसर अगर लेस देन वन है मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर डिवाइड करके इक्वल टू वन है मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल टू ईच अदर, अगर हम डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एंड आंसर अगर मोर देन वन है मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर हम डिवाइड करें आंसर जीरो है मतलब न्यूमरेटर इज जीरो एंड अगर हम डिवाइड करें आंसर इन्फिनिटी है मतलब डिनोमिनेटर इज जीरो। ये जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो, एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी, इस रूल पे सारा चैप्टर जो ये डिवीजन का रूल है चलता है। ये अब एक चीज़ इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये जीरो और इन्फिनिटी कब होता है इसको समझाने के लिए मैं एक बेसिक फंडा समझाता हूँ कि वाई जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो एंड एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी। मैं आपको एक रूल समझा देता हूँ, आप उसके बाद शायद कभी ना भूलो। देखो जब भी हम सपोज एक सम है जिसमें हमें 100 हैज टू बी डिवाइड बाय 25, द आंसर इज 4। व्हाई द आंसर इज 4? द आंसर इज 4 इट मींस ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी 25s आर रिक्वायर्ड टू मेक अ 100, यू नीड 24 25 टू मेक अ 100, राइट। सपोज अगेन एक सम है लेट्स से 500 बाय सम है 500 बाय 100 तो आंसर इज 5। तो बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मनी हंड्रेड्स डू यू नीड टू मेक इट 500, यू नीड 500 टू मेक अ 500, राइट। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, अगर क्वेश्चन है 0 by 100 तो एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ मनी 100 डू यू नीड टू मेक अ 0, सो आंसर इज 0 100 यू रिक्वायर टू मेक अ 0, तो 0 by anything इज 0 हो गया, ठीक है। या क्वेश्चन है 100 by 0, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मनी जीरोज यू रिक्वायर टू मेक अ 100, तो यू रिक्वायर कितना 0, एंडलेस, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो क्या हो गया इन्फिनिटी। सो ये दोनों से आपको समझ में आ रहा होगा वाई 0 by anything इज 0 और वाई एनीथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। सो ये रूल याद रखना, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो हमने डिविजन का रूल समझा दिया, अब इसको इलास्टिसिटी में हम कहाँ यूज़ करेंगे। हमने ये क्यों समझा, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अब हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए इलास्टिसिटी को। अब भाई ये फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो डिवाइड ही कर रहे हैं ना, तो हमें तो डिवीजन का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब हम एक चीज़ समझते हैं, अब देखो, अब सिंपल सी बात है, हम दो तीन सम्स को समझेंगे और सम्स को समझ के इसके वैल्यूज़ को समझेंगे कि ये क्या है, क्या हो रहा है, ठीक है। लेट्स से एक सम है कि एक प्रोडक्ट है, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज 100 इट्स क्वांटिटी डिमांडेड वाज, व्हेन द प्राइस वाज 10 क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100, और व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू, न्यू प्राइस कितना हो गया, व्हेन द न्यू प्राइस इंक्रीजेस टू लेट्स से, और व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 8 न्यू क्वांटिटी गोज अप टू 110। मैंने सम एक सम के डेटा को लिख लिया है, सम लिखा नहीं है पूरा, सम के डेटा को लिख लिया। अब समझते हैं सम का मतलब क्या है। सम बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस जब 10 था उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना था 100, और जब प्राइस 8 हो गया क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 110, ठीक है। कैलकुलेट दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या, देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस सम को दोनों तरीके से सॉल्व करता हूँ। पहला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है, अब देखो 100 से 110 हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे, पहले वीडियो में क्या बोला था, चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, चेंज इन डिमांड इज 10, ओरिजिनल डिमांड इज 100 इनटू 100, है ना। कितने से चेंज हुआ, चेंज इन डिमांड इज 10, 100 से बढ़ के 110, तो चेंज इज 10 बाय ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल डिमांड कितना था 100 इनटू 100, तो कितने परसेंट से चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 10। हाउ मच इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस पहले 10 था अब 8 हुआ, तो व्हाट इज द चेंज इन प्राइस, 2 बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। फर्स्ट वीडियो को देख लेना, मैं ये कैसे कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एनी परसेंटेज चेंज हम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चेंज इन वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू 100 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, दिस इज 20%। दोनों के वैल्यूज मिल गए, यहाँ पुट कर देते, चेंज इन डिमांड इज 10, चेंज इन
प्राइजेस 20, सो 1/2 विच इज 0.5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 0.5 हो गया, इस सम का आंसर 0.5। आई होप नोबडी हैज अ डाउट हियर, राइट। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या था जो इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ था, कौन सा? अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कैसे डिराइव हुआ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, देखो आंसर सेम आएगा। इस पर्टिकुलर सम को मैं दोनों फॉर्मूला से सॉल्व कर देता हूँ, आगे मैं फिर नहीं करूँगा। तो अब फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। तो चेंज इन क्यू कितना है 10, प्राइस डिमांड कितने से चेंज हुआ 100 से 110 चेंज इज 10, चेंज इन प्राइस कितना है 2 इंटू ओरिजिनल प्राइस इज 10, ओरिजिनल क्वांटिटी इज 100, सो ये कितना हो गया है ना, ये 1/2 अगेन, 1/2 इज व्हाट, 1/2 इज 0.5। देखो किसी भी मेथड से सॉल्व करो, मतलब किसी भी फॉर्मूला से सॉल्व करो, दोनों तो परसेंटेज मेथड के फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये वाला है, इससे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो आंसर तो हमारा सेम ही आने वाला है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी, है ना। ये पहला सम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चारों सम को करते हैं, चार सम को सॉल्व करते हैं और इलास्टिसिटी के हर एक वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला सम हो गया, ठीक। इसको मैं ना क्या करता हूँ, ये तो मैंने समझाना था डिटेल में, मैं ऐसे कर दिया, मैं इसको चार केस में बनाता हूँ। सो केस नंबर 1, जो हमने सम ऑलरेडी सॉल्व किया, दैट द प्राइस वॉज 10, क्वान्टिटी वॉज 100, न्यू प्राइस 8 एंड न्यू क्वान्टिटी इज 110। तो इसका आंसर क्या आया था हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 10 बाय प्राइस इज 2, सो आंसर इज 0.5, ठीक है। अब हर एक वैल्यूज को समझते हैं, इसका वैल्यू क्या है 0.5 है, तो मतलब इलास्टिसिटी का वैल्यू 0.5 को मतलब हम क्या समझ सकते हैं, लेस देन 1। तो जब भी इलास्टिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, 0.5 इज व्हाट, लेस देन 1, राइट। तो हमने अभी डिवीजन रूल में क्या समझा था, डिविजिबिलिटी रूल में क्या समझा था, अगर लेस देन 1 आता है तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हमारे न्यूमरेटर में क्या है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिनोमिनेटर में क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेस देन 1, तो हम कह सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, विच मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस जितने परसेंट से चेंज होगा डिमांड उससे कम हो रहा है। देखो प्राइस यहाँ कितने परसेंट से चेंज हुआ 20, डिमांड कितने परसेंट चेंज हुआ 10% से, तो माई परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, येस और नो। सो आई कैन से दैट इस केस में, आई कैन से दैट इस केस में डिमांड इज इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। एज वी नो इलास्टिक का मतलब होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिएक्शन। डिमांड इज रिएक्टिंग लेस देन द चेंज इन प्राइस, प्राइस 20% से चेंज हुआ, डिमांड 10% से चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि डिमांड इज लेस इलास्टिक, यस वी कैन वेरी वेल से दैट डिमांड इज लेस इलास्टिक। और लेस इलास्टिक को हम इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, लेस इलास्टिक अगेंस्ट वॉट, लेस इलास्टिक इन फ्रंट ऑफ प्राइस, अगेंस्ट द प्राइस, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है डिमांड कम चेंज हो रहा है। तो जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू लेस देन 1 होगा, यू नो व्हाट द कंक्लूजन्स आर, ठीक है। और भी इसके दो कंक्लूजन्स हैं अबाउट द डिमांड कर्व, टू इफ यू वांट टू नो द एंटायर वीडियो, इफ यू वांट टू सी द एंटायर वीडियो जो हमने बनाई है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस, ओके। केस 2, अब केस 2 में हम समझते हैं कि जब प्राइस 10, दूसरा केस बना रहे हैं, क्वान्टिटी 100, लेट्स से व्हेन द प्राइस वाज 10 क्वांटिटी डिमांडेड वाज 100, व्हेन प्राइस कम्स टू 8 न्यू क्वांटिटी गोज अप टू 120। देखो मैंने सारा डेटा सेम लिया है, खाली इस डेटा को चेंज किया है, कौन से डेटा को चेंज किया है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, सम कह रहा है कि द प्राइस 10 था, क्वांटिटी 100 था, न्यू प्राइस 8, न्यू क्वांटिटी 120। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाउ मच इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, 100 से 120 अगेन अगर हम सॉल्व करते हैं, चेंज इन डिमांड दैट इज 20 बाय ओरिजिनल डिमांड दैट इज 100 × 100, तो मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आ जाएगा 20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा हमारा 20 अगेन, दोनों कैंसिल होके 1,
तो अब मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल पे जब आंसर वन आता है तो क्या होता है, सो जब इक्वल टू वन होगा, इक्वल टू वन का मतलब 2% चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 2% चेंज इन प्राइस, और दूसरा हम कह सकते हैं कि डिमांड, इस केस में डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, इसको यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। यूनिट मतलब वन, यूनिटरी इलास्टिक मतलब वन, ये कब होता है, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस उतना ही होगा, यहाँ जितना हम प्राइस चेंज करेंगे डिमांड का रिएक्शन उतना ही होने वाला है। और हम आते हैं केस थ्री पे, केस थ्री क्या है, प्राइस 10, क्वांटिटी 100, न्यू प्राइस 8, न्यू क्वांटिटी 140। अगेन यहाँ पे लास्ट वाला डेटा हमने चेंज किया है, कौन सा डेटा है लास्ट वाला, लास्ट का डेटा हमने चेंज करके ये 140 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सेम मेथड, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज 40/20, दिस इज 2, 2 मीन्स मोर देन 1, तो जब भी इलास्टिसिटी का वैल्यू मोर देन 1 आएगा तो क्या, पहला कंक्लूजन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपको याद हो अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने डिविजिबिलिटी रूल पे क्या कहा था, मोर देन वन मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में चेंज इन डिमांड है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड इसको हम कहते हैं डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इलास्टिक, और इसको हम मोर इलास्टिक भी कह सकते हैं, मोर रिस्पॉन्सिव, मोर इलास्टिक, मोर रिस्पॉन्सिव अगेंस्ट वॉट, मोर रिस्पॉन्सिव अगेंस्ट द प्राइस, प्राइस 20% से चेंज हो रहा है, डिमांड 40% से चेंज हो रहा है। तो आप इससे तो एक चीज़ क्लियरली समझ सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यूज़ आपको कुछ बताते हैं, क्या बताते हैं, लेस देन वन मतलब जिस रेशियो से प्राइस चेंज होगा डिमांड उससे ज़्यादा चेंज होगा, लेस देन वन सॉरी डिमांड उससे कम चेंज होगा, ठीक है। इक्वल टू वन मतलब चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस विल बी द सेम, मोर देन वन मतलब चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन द चेंज इन प्राइस, ठीक है। हम एक और चीज़ समझते हैं, एक केस में आपको और समझाता हूँ, केस नंबर 4, केस 4 समझाएंगे, उसके बाद एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको उसमें आप डिस्कवर करोगे। प्राइस 10, क्वांटिटी 100, और मैं आपको ये भी बता दूँ जिस मेथड से मैं समझा रहा हूँ इलास्टिसिटी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, ठीक है। न्यू प्राइस 8, न्यू क्वांटिटी 160, अगेन हमने कौन सा डेटा चेंज किया, लास्ट डेटा चेंज किया, ठीक है। हम सिर्फ लास्ट डेटा चेंज कर रहे हैं सो दैट हम इलास्टिसिटी के वैल्यूज़ को समझ सकें। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज नाउ 60/20, 3 है, यहाँ भी मोर देन वन है, यहाँ भी मोर देन वन है, और जो केस 3 में कंडीशंस हैं एप्लीकेबल वही केस 4 में भी हो जाएंगे, सेम कंडीशन एप्लीकेबल है यहाँ पर भी, ठीक है, सेम कंडीशंस एप्लीकेबल है। सो एक चीज़ तो क्लियर है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये चारों केसेस आपको समझ में आ गए हों, तो अगर कोई डाउट है तो एक बार दोबारा से वीडियो आराम से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, आई डोंट थिंक उसके बाद डाउट होना चाहिए। अब एक चीज़ अभी क्या समझा, लेस देन वन का क्या मतलब है, इक्वल टू वन का क्या मतलब है, और मोर देन वन का क्या मतलब है, ठीक है। तो लेस देन वन का मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इक्वल टू वन इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वाइज प्राइस। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यू मोर देन वन है मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट ये केस 3 और केस 4 हमने जो किया है इस पे करने का एक रीज़न है, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, क्या समझाना चाहता हूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, डिवीजन में एक रूल है कि जब आपका वैल्यू, सपोज आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया एंड योर आंसर इज 2, आंसर 2 कब आएगा, 2 तब आता है जब ऊपर का नंबर दैट इज न्यूमरेटर इज ट्वाइस द डिनोमिनेटर, जैसे 20/10, तो आंसर क्या है, 2, है ना, 2 मतलब वो 2 टाइम्स कटा ऊपर का वैल्यू, है ना, तो 2 मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अगर आंसर 3 है
थ्री कब आएगा? 30/10। आंसर कितना आया? 3। 3 मीन्स क्या हुआ? न्यूमरेटर इज थ्राइस द डिनोमिनेटर, है ना। आंसर अगर 4 कब आएगा? 40/10। 4 कब आया? व्हेन न्यूमरेटर इज 4 टाइम्स द डिनोमिनेटर, है ना। 1 कब आता है? 40/40। 1 मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। और अगर आंसर 0.5 है, लेट्स से 0.5, है ना। 0.5 का मतलब लेट्स से 10/20। 0.5 का मतलब न्यूमरेटर इज हाफ टाइम्स द डिनोमिनेटर। कहने का मतलब डिवीजन का जो वैल्यू आती है, डिवाइड करके दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं, उसका जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक परफेक्ट रिलेशन बताता है। रिलेशन का मतलब अगर आंसर 2 है, इसका मतलब न्यूमरेटर इज ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ये रिलेशन हो गया। 3 मतलब थ्राइस, 4 मतलब 4 टाइम्स, हाफ मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आधा है। तो उसका वैल्यू ये बताता है कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में वेटेज क्या है, है ना। अब हम वापस अपने एग्जांपल्स पे आते हैं। देखो थर्ड, मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पहले पढ़ता हूँ, ठीक है। सेकंड में आंसर, चलिए थर्ड में आंसर क्या था? 2। 2 क्यों? 2 आया इलास्टिसिटी का वैल्यू। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ट्वाइस द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ट्वाइस द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर 3 है, इसका मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज थ्राइस द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ रहे हो? रिलेशन क्लियर हो गया? तो इलास्टिसिटी के वैल्यू में बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं और उसको डिकोड करना आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? अगर 2 आंसर है, इसका मतलब चेंज इन डिमांड विल बी ट्वाइस द चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी के वैल्यू से ही हमें पता चल जाएगा डिमांड प्राइस से रिलेटेड, प्राइस के रिलेशन में कितना चेंज होगा। अगर आंसर 2 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मतलब डिमांड हैज चेंज्ड ट्वाइस द चेंज इन प्राइस। 3 है, डिमांड हैज चेंज्ड थ्राइस द चेंज इन प्राइस। 1 है, मतलब डिमांड हैज चेंज्ड इक्वल टू द चेंज इन प्राइस। 0.5 का मतलब डिमांड हैज चेंज, 0.5 मतलब आधा होता है, डिमांड हैज चेंज आधा टाइम्स द चेंज इन प्राइस। तो वैल्यूज बता देंगे कि डिमांड कितना चेंज होगा, ठीक है। तो वैल्यूज को समझना बुक्स में, या विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप स्कूल में भी पढ़े होंगे या आप कहीं भी पढ़े होंगे, कहीं भी आपने देखा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से समझाया गया होगा। आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल। एंड आप कोशिश करो कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, आपको समझ में आएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये जो हमने किया इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों बड़ा सही टर्म है ना, बोलने में बड़ा मज़ा आता है। एनीवे, तो फ़ायदा क्या है? एक सम आया आपको, आप मेरी बात को, सम को आराम से सुनो, है ना। एक सम आया एग्ज़ाम में कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 3। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 3। अब 3 का मतलब आप तुरंत समझ जाओगे कि चेंज इन डिमांड इज 3 टाइम्स द चेंज इन प्राइस, राइट। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस फॉल्स बाय 20%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। भाई मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस सम को, हमें पता है 3 मतलब डिमांड का रिएक्शन 3 होगा। ये वैल्यूज क्या बता रहे हैं आपको? वैल्यूज डिमांड का रिएक्शन बता रहे हैं। 3 मतलब डिमांड विल चेंज 3 टाइम्स, 2 मतलब डिमांड विल चेंज 2 टाइम्स द चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे 3 है वैल्यू, तो 3 मतलब डिमांड विल चेंज 3 टाइम्स द चेंज इन प्राइस। प्राइस अगर 20% से गिरा है, डिमांड 3 टाइम्स रिएक्ट करेगा, 3 टाइम मतलब 60% से। बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड गोज अप। आई होप, ऐसे एक और सम करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 2, इसका मतलब डिमांड विल रिएक्ट ट्वाइस द चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस राइजेस बाय 20%, प्राइस 20% से बढ़ा है, डिमांड का रिएक्शन 2 टाइम्स होगा, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी, डिमांड गिरेगा फॉर श्योर, प्राइस बढ़ा है कितना? 2 टाइम्स, 40%। ऑलराइट, सो आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल। You, if you want more details video, more detailed videos, more comprehensive notes, join our Telegram channel.
or else you can buy the videos by calling on the number scrolling down side. Thank you so much.